चारों ओर पसरा सन्नाटा, बस रह गई तो बस तबाही। तबाही का सैलाब हर जगह देखने को मिल रहा है। घरों में भी पानी, सड़कों पर भी पानी, खेतों में भी पानी और पुल पर भी पानी। फिर चाहे राजस्थान हो, मुंबई हो, मध्य प्रदेश हो या फिर देश का अन्य कोई राज्य, सैलाब का सितम कहर ढा रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा दिया है। राजधानी भोपाल से लेकर दूर दराज के 40 जिलों से ज्यादा में मूसलाधार बारिश के बाद जिंदगी पटरी से उतर गई है। हजारों गांव शहर पानी में डूब गए हैं, शहरों में रफ्तार रुक गई है तो गांव में फसलें चौपट हैं और किसान समंदर की समान आंसू बहा रहे हैं। शहरों में रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है। भोपाल के कुछ निचले इलाकों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा हो गया है। यहां सड़कों पर भी आए सैलाब ने लोगों को डरा दिया है। मध्य प्रदेश में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण मंदसौर के गांधी सागर बांध के 19 गेट खोल दिए गए। गेट खुलने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर तबाही मस्ती है तो कई हजारों लोगों की जान जाएगी। मोरेना में चंबल नदी डेंजर जोन में पहुंच गई है। राजस्थान के कोटा बिराज डैम के 16 गेट खोल दिए गए हैं। चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर है। भारी बारिश के बाद रायसेन जिले के सभी नदी तालाब उफान पर आ जाने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, कई गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। रायसेन विदिशा मार्ग पर 4 फुट पानी आने से रास्ता बंद है। वहीं लगभग 150 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग और उनके पशु बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई सारे पशुओं की जान भी गई है। इसके बाद आर्थिक हानि जिसका आकलन किया भी नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें, उन्होंने कहा, इस दौरे के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बचाना है। क्योंकि प्रदेश में हो रही बारिश बेहद चिंतादायक है। 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगातार बारिश हो रही है। कई सारे गांव जो कि बाढ़ के कारण खाली करवा दिए गए हैं। हजारों लोग जो हैं बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, विदिशा, गुना और रायगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लगभग 25 गांव पानी में घेरे हैं जिनका उन्होंने देखा और दौरा किया। बैतवा का जलस्तर अभी स्थिर है। वहीं एनडीआरएफ, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे गांव हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें राहत नहीं पहुंची है। हालात बेहद खराब हैं, लोगों की जिंदगी पर आब बनाई है। तबाही वाली बारिश देश में समय हो रही है। आपके राज्य में क्या है बारिश के हाल, कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।